पूरे भारत का किसान अब एकजुट हो गया है। अब अगर ये बात सरकार की समझ में नहीं आ रही है तो इसमें किसानों की गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है। आम आदमी के साथ किसान पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। लेकिन सर बार बार आप जो है हाईवे जाम करते हैं, कुछ उससे रेस्पॉन्स तो मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता, हम हाईवे पे रोकते हैं लेकिन इमरजेंसी व्हीकल्स, कोई बीमार है, कोई दवाई है, कोई खाने पीने का सामान है, उसे किसान कभी भी नहीं रोकता। आज 4 महीने दिल्ली के बॉर्डर्स को सील हुए हो गए हैं। आपने एक भी दिन मुझे बताइए दिल्ली में पानी की किल्लत हुई हो, दिल्ली में दूध की किल्लत हुई हो, सब्जी की हुई हो, अनाज की हुई हो। दिल्ली की आपूर्ति किसान ने आज तक नहीं रोकी है, लेकिन किसान को ये भी पता है कि रोज की दिल्ली की 52 लाख लीटर दूध की डिमांड है जो कि बाहर से आता है। दिल्ली का खुद का प्रोडक्शन 1 लाख लीटर दूध का भी नहीं है रोज से, जिसमें मदर डेयरी करता है, अमूल करता है और बाहर से ही दूध आता है। तो क्या आपको एक भी दिन दिल्ली में दूध दही की दिक्कत आई? लेकिन वही सरकार किसान को बार बार दिक्कत में कर रही है। यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ बिजली की समस्या है, यहाँ टॉयलेट साफ नहीं हो रहे हैं जिनसे हाइजीन की समस्या होने वाली है, किसान बीमार हो रहा है, टेंटों की हालत आप पीछे देख रहे हैं। तो जब किसान जनता की इतनी सोच रहा है तो वो जनता ही देश है, सरकार देश नहीं है। सरकार को हमने एक अथॉरिटी दी है कि आप इस देश को चलाएं, लेकिन देश इस देश के 138 करोड़ लोग चला रहे हैं, तो सरकार को भी हमारा ध्यान रखना चाहिए जब हम दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता का दिल से ध्यान रख रहे हैं। सर आपने कई बार कहा कि हम दूध रोकेंगे, सब्जियां रोकेंगे, कई बार किसानों ने बोला इस बात को, लेकिन इस महीने में ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं, हमने इसलिए नहीं रोका, आम जनता ये भी हमारे भाई बहन हैं, इनका सरकार शोषण कर रही है, उनको हमें जरूरी वस्तुएं पहुंचानी है। बल्कि आप तो इतने दिन से आंदोलन में हैं जेंदर जी, आपने चारों तरफ देखा होगा, किसी भी बॉर्डर्स पर देखिए, लंगर व्यवस्था पिछले 26 नवंबर के बाद आज तक रुकी नहीं है, और वो सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए नहीं है, यहाँ जो भी आता है वो सब के लिए है। ऐसा काम तो सरकार नहीं कर पा रही है जो किसान ने कर दिया है। किसान ने आम आदमी के लिए टोल फ्री कर रखा है, किसान ने इस आंदोलन में खाना पीना रहना फ्री कर रखा है, तो ये सरकार किस लिए चुनते हैं हम? सरकार का क्या रोल है? सरकार भी तो किसान की मदद करे। नहीं, ये सारे कानून आम जनता के लिए लागू होते हैं, सरकार के लिए नहीं, सरकार उनको बढ़ावा दे रही है। आज हिंदुस्तान में जो है लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, वो पूंजीवादी सरकार है। ये जो काले कानून जिनके लिए हम बैठे हैं, ये पूंजीवाद व्यवस्था लाने के लिए सरकार ने बनाए हैं। लेकिन किसान आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहता है, वो चाहता है देश में लोकतंत्र बहाल हो, उसी के लिए वो आज यहाँ दिल्ली के बॉर्डर्स पर लड़ रहा है। नहीं तो आप देखिए सरकार ने कहाँ पूंजीवाद नहीं चलाया, किस में? आज ये जो गोडाउन है, सरसों खरीदी जा रही है, गेहूं खरीदा जा रहा है, किस लिए? और तानाशाह जो होता है, तानाशाही में दो चीजें होती हैं, भय और भूख। जो बार बार आप देखेंगे इन्होंने 7 साल में बनाया, हिंदू मुस्लिम कास्ट, यादव नॉन यादव, पटेल नॉन पटेल, मराठा नॉन मराठा, यादव नॉन जाट, गुजर नॉन गुजर, ये किसने चलाया, ये क्यों चलाया, इसकी गहराई में जाइए आप। ये सिर्फ इसलिए चलाया गया कि भय बनाया जाए, हिंदू में मुस्लिम का भय, मुस्लिम में हिंदू का भय, जाटों में नॉन जाट का भय, नॉन जाट में जाटों का, ये भय बनाने के लिए होता है। सरकार ने जय श्री राम और ये राम मंदिर के, अरे भाई राम तो सबके दिलों में है, लेकिन सिर्फ ये शो करना जय श्री राम कि आप भयभीत हो, ताकि आप सरकार से उम्मीद करो भयभीत। वैसे ही अब भूख, किसान काले कानून क्यों लेके आए हैं? ये सरकार जो बिल लेके आई है जिसके खिलाफ किसान लड़ रहा है, किस लिए? कि ये जो भूख का भी व्यापार, कि इसको कब्जा लो, खाने को कब्जा लो, क्या पैसे से लड़ाई लड़ी जाती है? आदमियों से लड़ी जाती है, आदमियों को खाने को रोटी चाहिए, चलाने को हथियार चाहिए। तो भय और भूख, ये दोनों चीजों को ताकत करने वाली ये सरकार है। सर 6 महीने हो गए किसान आंदोलन को चलते हुए, हम जो है कई अनाज मंडियों में गए हैं, ग्रेटर नोएडा में, वहाँ किसान का अनाज अभी भी नहीं लिया जा रहा है MSP पर, वहाँ तुलाई नहीं हो रही है गेहूँ की, वो बाहर बेच रहे हैं 1500-1600 रुपए प्रति क्विंटल में गेहूँ को, कोई सरकार पर असर नहीं पड़ रहा है किसान आंदोलन का? अगर सरकार ये MSP लागू ही कर दे तो हम यहाँ बैठेंगे क्यों?
हम अपने घर जाएंगे, हमारे घर हैं, परिवार हैं, खेती का समय है, यही तो सारी डिमांड है कि एमएसपी दें। आपने खुद सरकार के आगे सवालिया निशान लगा दिया, यही तो इस किसान आंदोलन की खूबसूरती है। जो बात नहीं आ रही थी आज वो अपने मुख से कही तो कि 1500-1600 बिक रहा है। जिस देश में गेहूं का एमएसपी 1975 रुपए है, वहां पर अगर 1500-1600 बिक रहा है तो ये तो सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। केंद्रीय कृषि मंत्री को आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत। सर आपने अभी कहा कि हिंदू मुस्लिम में बहका लेती है सरकार, तो क्या अब हिंदू मुस्लिम खत्म हो गया इन 5 महीनों में जो किसान आंदोलन चला? नहीं, यहाँ तो नहीं है, किसान आंदोलन में तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, देश में कोई असर पड़ा चीज? देश में असर पड़ेगा ना धीरे धीरे, अगर ये गलत असर पड़ा है तभी तो आज किसान आंदोलनरत है, तभी तो आम आदमी किसान के आंदोलन में आया हुआ है कि वो इसे खत्म करना चाहता है। सरकार के पास सारे हथियार हैं, प्रमोट करती है सरकार ने, कितने मीडिया चैनल्स आज किसान आंदोलन को दिखा रहे हैं। दिलीप मंडल जी ने बिल्कुल ठीक ट्वीट किया था, उनका एक ट्वीट आया और बिल्कुल सत्य बात निकली है। उस दिन से किसी चैनल पे कोई किसान आंदोलन की खबर ही नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्यों नहीं सरकार दिखा रही है कि किसान भी आंदोलनरत है, किसानों की ये डिमांड है? क्या ये टीवी चैनल्स भारत देश के हैं या कुछ मीडिया हाउसेज खरीद लिए गए हैं सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा? नाम लिया क्या उनकी सारी बातों से आप सहमत हैं? सारी से तो क्यों सहमत होऊंगा, उनका नाम दिलीप मंडल है, मेरा नाम प्रदीप हुड्डा है, आपका कुछ और नाम है, लेकिन जो अच्छी बातें हैं अच्छी बातों से सहमत होना चाहिए। यही आप गलती कर रहे हैं गजेंद्र जी, कि हम किसी भी एक को सब कुछ मान लेते हैं। अंधभक्त इसी श्रेणी में आते हैं। हर व्यक्ति सुपरस्टार नहीं होता, हर व्यक्ति 100% सही नहीं होता, उसकी किसी भी बात की माननी जानी चाहिए। एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन खुद की गाड़ी पंचर हो जाएगी तो पंचर वाले से लगवाएगा, ये नहीं कि खुद ही करेगा। हर किसी का अपना कार्य है और हर किसी में अपना सिद्ध है, जो उसकी वही बात हमें अच्छी लगनी चाहिए। सर पश्चिम बंगाल से खबरें आ रही हैं कि फिर वहां पर हिंदू मुस्लिम हो गया। हाँ तो ये पूरा चलन चल रहा है, सरकार तो चाहती है, ये सरकार चाहती है कि दो भाई आपस में लड़े। सरकार की सबसे बड़ी जो मैं गलत नीति कहूंगा वो पिछले 7 साल की वो यही है, भय कैसे उत्पन्न होगा अगर आप सबको जोड़ देंगे। समझाना क्या, समझा नहीं पाए? नहीं, किसान समझा रहा है, किसान तो 5 महीने से यहाँ भी है, किसान अपना कार्य कर तो रहा है, किसान के कार्य की कमी तो नहीं बता सकते आप। किसान को सरकार में लाइए या बॉर्डर तक ये सारी बातें, बॉर्डर के बाहर जाते ही सब खत्म हो जाते हैं। कौन सी खत्म हो जाती है? हिंदू मुस्लिम एकता, कौन से बॉर्डर से बाहर जाते ही खत्म हो जाती है? आंदोलन चल रहा है, क्यों हो जाती है? आप क्यों ऐसी बातें करते हो? क्योंकि आपके दिमाग में चीजें डाल दी गई। कौन हो आप? आप भी एक हिंदुस्तानी हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं युवा के एक देख के आप ये मीडिया और इन चीजों को पढ़ के, आपको यही पढ़ाया गया है क्या? हिंदुस्तानी तो सवाल कर रहा हूँ तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। नहीं, क्यों नहीं जा रही है? हमारे अंदर तो है, लेकिन उनसे पूछिए ना जो ये दिखाते हैं, क्यों नहीं दिखाते वो कि हिंदुस्तान का हर नागरिक बराबर है? क्यों धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बांटा जाता है? क्या काम है मीडिया हाउसेस का? आपका क्या काम है? आप क्यों ऐसी बातें प्रमोट करते हो जो सरकार करवाती है? क्यों आप वहां जय श्री राम बाबरी मस्जिद इशू पे बात करते हो? क्या देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और ये कृषि, ये विषय ही नहीं बचे हैं क्या? देश का विकास क्या आप किस चीज से करोगे? मंदिरों से करोगे, मस्जिदों से करोगे? देश का विकास देश के नागरिक से होगा, और देश का नागरिक हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार सभी बराबर के हकदार है। नहीं, देश की जनता को तो स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल तो चाहिए, नहीं उसे तो मंदिर मस्जिद चाहिए ना। ये आप कैसे निर्णय कर सकते हैं? ऐसा निर्णय करने वाले आप कौन है? ऐसा निर्णय करने वाले आप कौन है? हुड्डा जी तो हम मान लेते कि नहीं, जनता नहीं चाहती। हाँ तो ये आप सीधा सीधा वहाँ उंगली उठा रहे हैं जिन्होंने वोट ली है। आप खुद कह रहे हैं कि सरकार इस इशू पे बनी है, तो कहाँ आप धर्म निरपेक्षता का पाठ पढ़ाते हैं? तो जो बात आपने कही, अगर ये आम आदमी के मन में है तो सरकार को आज तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि भारत आज भी संवैधानिक रूप से धर्म निरपेक्ष देश है।